अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का समापन धर्म साधना ट्रस्ट ने किया था आयोजन। नम आंखों से श्री प्रतिमा की विदाई। मात पिता तुम मेरे शरण रहो मैं किसकी तुम दयार मैं दो पास करो मैं किसकी हरिओ हे जगदीश। कार्यक्रमों के जरिए आध्यात्मिक चेतना और संस्कार बढ़ाने के मकसद से खारघर में आयोजित धर्म साधना ट्रस्ट के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का बीती शाम समापन हो गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन के बाद महाभंडारा चला, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसाद लिया। महायज्ञ के संयोजक विष्णु शुक्ला ने बताया कि 9 दिनों तक चले इस महायज्ञ में प्रतिदिन अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान एवं उपक्रम चलाए गए। आखिरी दिन प्राण प्रतिष्ठित श्री नारायण प्रतिमा की नम आंखों से विदाई दी गई। उन्होंने यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग देने वालों का भी आभार जताया। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पहली बार खारघर में लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया और हमारे लोगों का, मैं धर्म साधना चैरिटेबल ट्रस्ट एक मेंबर भी हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 9 दिन भगवान के साथ ब्राह्मणों के साथ किस तरह बीत गया, भक्तों में हम भक्ति में लीन हो गए। प्रतिदिन यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम, 108 कन्याओं का पूजन, हल्दी कुमकुम और प्रतिदिन यहाँ भोजन भजन भंडारा हो रहा था। बहुत अच्छा लगा। 9 दिन कैसे भगवान की मस्ती में बीत गया हमें पता नहीं चला। कल भगवान की विदाई भी है और सभी का हमारे परिवार जो है विदाई। और आपको बताने में बहुत आश्चर्य, मुझे अच्छा लग रहा है कि इस टाइम जो हम भगवान नारायण की लक्ष्मी की अपनी मूर्ति देखी, वो 100% मिट्टी से बनाई गई है और हम कोई तालाब में उनका विसर्जन नहीं करेंगे। ये खारघर में अगर पहली बार प्रोग्राम हुआ है तो पूरा इको फ्रेंडली है। भगवान की मूर्ति में एक बड़ा टोप में उन्हें रखा जाएगा और दूधों से उनका अभिषेक किया जाएगा। जितने श्रद्धालुओं ने हवन का सहयोग किया है, सभी श्रद्धालु दूधों से उनकी अभिषेक करेंगे और भगवान का विसर्जन यही होगा। जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी में तुलसी पौधा उगाया जाएगा और सभी श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। ये हमारे ट्रस्ट का लक्ष्य है कल का। वहीं डॉक्टर एस एन द्विवेदी ने अशांति और अवसाद के दौर में महायज्ञ को संस्कार और शांति पाने का जरिया बताया। उन्होंने महायज्ञ के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भावना को प्रोत्साहन देने वाले युवा समाज सेवी और उद्यमी विष्णु शुक्ला की सराहना की। बहुत हम लोग तो तर गए, धन्य धन्य हो गए। और जहाँ तक मेरे सौभाग्य की बात है, पहली बार श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में हम लोग शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मनोहारी कार्यक्रम रहा और बड़े श्रद्धा भक्ति से सब हुआ। सब लोगों ने बड़ा मिलजुल करके बड़ा वो किया। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, एक ट्रस्ट, यहाँ किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लोग अपने से स्वतः स्फूर्त होकर के सब मेहनत कर रहे हैं और देवी माई के भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सब कुछ पूरा हो रहा है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आ रही है और सब लोग हर्षोल्लास के साथ यहाँ से जा रहे हैं प्रसाद लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।